तो आज की क्लास में हम लोग असाइनमेंट नंबर 10 के बारे में देखेंगे। असाइनमेंट नंबर 10 आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन और कुछ डिटेल लिखी हुई है, ओबीसी वगैरह कुछ डिटेल यहाँ दी हुई है। यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करना है। एक्चुअली हमको यहाँ टोटल टाइप नहीं करना, बल्कि कैलकुलेट करना है फॉर्मूला लगा के। चलिए सबसे पहले ये टेबल तैयार कर लेते हैं अपने एमएस वर्ड में। कितने रो कितने कॉलम है? 4 रो और 6 कॉलम है, तो हमारा एक टेबल तैयार होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एडमिशन 2020-21, ईयर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। एडमिशन 2021 लिखने के बाद हम इंसर्ट में जाएंगे, टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 4 रो और 6 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम की अब हम एक टेबल तैयार करते हैं। अब हमको इसमें डेटा फिलअप करना है। डेटा फिलअप करने के लिए हम ये वाले ऑप्शन का यूज़ कर लेते हैं, दोनों विंडो एक साथ ओपन कर लेते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं दोनों विंडो को एक साथ ओपन कर लिया हूँ और आप यहाँ पर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पहला हमको लिखना है कोर्स, दूसरा है ओसी, तीसरा है ओबी, तीसरा है एमबीसी, अगला है एसटी, एससी, एससी कॉमा एसटी, और उसके बाद है टोटल। तो हमने ये डेटा टाइप कर लिया है। यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अगला हमारा कंप्यूटर साइंस में जो डेटा है वो है 9, फिर 18, फिर 5, फिर 5, फिर 37 यहाँ नहीं लिखना है, हमको कैलकुलेट करना है, क्लियर है। फिर यहाँ पर हमको कंप्यूटर साइंस के बाद लिखेंगे हम कॉमर्स, ये तो हमको डेटा टाइप करना है, सिंपल टाइप हो जाएगा 6, 5। और फिर अगला हमारा है मैथमेटिक्स 12, 24 एंड 4, क्लियर। अब हमें यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल कैलकुलेट करना है तो ये हमारा टेबल तैयार हो गया है। फिलहाल टेबल को और थोड़ा अरेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पेज जो है वो नैरो ले लेते हैं, ताकि यहाँ पर पेज की जो मार्जिन है वो हमको सही से सेट हो जाए। टॉप वाले को बोल्ड कर देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर बोल्ड ऑप्शन आ रहा है, ये बोल्ड कर देंगे, इसको भी बोल्ड करके बड़ा कर देते हैं, क्लियर है। टेबल को आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं ताकि बीच में रहे, क्लियर है। फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दीजिए ताकि और क्लियर दिखाई दे। तो ये हमने टेबल की फॉर्मेटिंग कर दी है और टेबल कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है, क्लियर है। अब हमको टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर इस टेबल में यही इंपॉर्टेंट है कि टोटल कैलकुलेट करना है। इसके अलावा ये सब सारी फॉर्मेटिंग, जैसे इसको लेफ्ट अलाइन करना है, इसको सेंटर करना है, वो सब आप इंडिविजुअल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे, देखिए टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है। टोटल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा इंसर्ट में, टोटल कैलकुलेट करना है आपको। टोटल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले होम में देखेंगे और यहाँ पर आपको कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद आप यहाँ देख रहे होगे कि डिजाइन और लेआउट दो यहाँ पर एक्स्ट्रा टैब दिख रहे हैं। इसमें डिजाइन में कुछ डिजाइन से संबंधित ऑप्शन दिखेंगे, जैसे बॉर्डर आदि, और लेआउट में यहाँ पर आपको दिखेगा फॉर्मूला। तो आप यहाँ से फॉर्मूला का यूज करेंगे टोटल कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कर्सर आपका यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप कर्सर बाहर रखोगे तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, फॉर्मूला काम नहीं करेगा। सबसे पहले कर्सर आपको यहाँ रखना है। लेआउट में फॉर्मूला दिख रहा है, ये इस ऑप्शन का यूज करेंगे। फॉर्मूला में देखो, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अपने आप आएगा इक्वल टू सम लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट वाले का सम करना है। सम लेफ्ट का मतलब है कि ये 9 + 18 + 5 + 5 लेफ्ट वाले को सम करेगा। सम राइट करोगे तो राइट वाले को सम करेगा। सम अप करोगे तो ऊपर वाले को करेगा, डाउन करोगे तो नीचे वाले को करेगा, क्लियर है। तो सम लेफ्ट हमने फॉर्मूला लगाया है और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ओके कर दोगे तो आप
सम हो जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर फिर से जाना, सम ये अबो लिखा हुआ है, इसको आपको लेफ्ट करना होगा या कॉपी कर लो, ठीक है। अब जैसे मैं एक अबो का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ, ऊपर वाले को सम करेगा, तो लेफ्ट राइट इस तरीके से आपको यूज करना है। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा था कि एमएस वर्ड में फॉर्मूला लगाना है, यही इंपॉर्टेंट था इसमें, क्लियर है। तो आपका ये जो आउटपुट है वो आ गया 37, 50 और 40, और इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया है, ना कि टोटल किया है, टाइप किया है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपका ये आना था और ये फॉर्मूला लगा करके लाया गया है, क्लियर है। तो इसको, ये आपका असाइनमेंट नंबर था 10, इसको आप करके देखिए।